छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में शासकीय महाविद्यालय बैलोती दुधारा राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का चयन समारोह में शामिल रूपचंद्र जैन समाज सेवक ने कहा कि वर्तमान समय में हम जिस विविधता से जूझ रहे हैं, ऐसे विकट परिस्थितियों में भी स्वयं सेवक समर्पित होकर लोगों को विभिन्न माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हुए NSS के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद के तेल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो वहीं गांव के प्रथम नागरिक सरपंच ओम प्रकाश यादव ने बताया कि महाविद्यालय के छात्र छात्राएं COVID-19 से बचने, टीका लगवाने और सुरक्षा उपाय के लिए लोगों को जागरूक करते हुए गांव में सोखता गड्ढा का निर्माण कराने का प्रशंसनीय कार्य किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मंच छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है, जो बौद्धिक शारीरिक मानसिक और चारित्रिक विकास के साथ साथ सामाजिकता का भाव भरता है, जिससे अच्छे नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान दे सके। तो शासन जो है लड़कियों के रुकने के लिए जो व्यवस्था करता है, उसके साथ साथ एक महिला प्राध्यापिका की भी व्यवस्था करता है। हमारे साथ वही मैडम भी आई है और जो लड़के आए हैं उन लोगों के साथ हम लोग भी आए हैं, और हम लोगों को महाविद्यालय से सहायता के लिए जो है अन्य कर्मचारी वृंद भी समय समय पर मिलते रहते हैं। प्राचार्य वर्ग जो हमारे हैं, अन्य सहायक प्राध्यापक वर्ग जो है, वो साथ में आते हैं, भ्रमण करते हैं। ग्रामीण जो सहयोग हम लोगों को मिलता है, सरपंच महोदय का जो सहयोग मिलता है, हमारे साथी प्राध्यापक का जो सहयोग मिलता है, और जो बच्चे रहते हैं वो पहले से हम लोगों से महाविद्यालय स्तर पर जुड़े रहते हैं,